जी नमस्ते शर्मिला दीदी, नमस्ते। नमस्ते। आप तो सब जी बोलिए, बताइए। जी सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है और इंग्लिश सेशन में प्रेजेंट रहने के लिए सभी का धन्यवाद। दीदी, हम यहाँ पर थे स्टेप 4 में। जी, ओवर टू यू। तो थोड़ा सा ब्रीफ एक रिकैप कर लेते हैं। ये जो एक्सरसाइज 2 जो हम कर रहे हैं, जिसमें कि हम अपने को तो देख ही रहे हैं, जो हमने एक्सरसाइज 1 में करा, ऑब्जर्विंग द सेल्फ बाय द सेल्फ, ये तो कंटिन्यू रहेगा। और अब एक्सरसाइज 2 में हम सेल्फ के द्वारा, मैं के द्वारा, शरीर को भी देख रहे हैं, और ये जो शरीर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है उसको भी देख रहे हैं। तो अभ्यास 2 में, स्टेप 1 में, हम ये देखने का प्रयास कर रहे थे कि मैं चैतन्य, मैं हूँ, और ये हम देख पाते हैं क्योंकि मैं अपनी क्रियाओं को देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ। अपने अंदर जो चल रही क्रियाएं हैं उनको हम देख पाते हैं, और उससे हमें ये दिखता है कि मैं हूं। फिर हमें ये भी दिखता है कि शरीर भी है, शरीर को भी हम चैतन्य द्वारा देख रहे हैं, है ना? तो हम ये देख पा रहे हैं कि शरीर भी है, और शरीर को हम कैसे देख पा रहे हैं? हम शरीर में हो रही संवेदनाओं को पढ़ पा रहे हैं, उसके आधार पर हमें मालूम पड़ता है कि शरीर भी है। कभी कभी हम ऐसा कहते हैं कि हमें दिखता है शरीर। तो देखना भी, जो आंखों के द्वारा जो भी हम देख रहे हैं, तो आंखें खुद से देखती हैं या हम, मैं आंखों को यूज करके, आंखों में जो ये संवेदना आ रही है, जो एक इमेज बन रही है शरीर की, उसको पढ़ के और उससे कुछ निष्कर्ष निकाल के ये देख रही हूँ। इसको पहले आप लोगों ने, सबने ऑब्जर्व भी किया होगा। इस पर आगे भी अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग उसको देख लेंगे। फिलहाल ब्रीफली हम लोग रिकैप कर रहे हैं। तो अभ्यास 2 के दूसरे स्टेप में हम ये देखने का प्रयास कर रहे थे कि मैं और शरीर के बीच में क्या आदान प्रदान हो रहा है, क्या इंटरेक्शन हो रहा है। तो मैंने शरीर को कुछ संकेत दिया। क्या संकेत दिया? जो भी मुझे महत्वपूर्ण लगा उस समय, वो संकेत मैंने शरीर को दिया। और जब भी मुझे लगा कि जैसे मैंने शरीर से कुछ काम लेना है, या ना उसको कुछ, उससे कुछ काम करवाना है, या कुछ भी ऐसी शरीर से मुझे बाहर से कुछ इंटरेक्शन करना है उसी के साथ, किसी से बातचीत करनी है, एक और व्यक्ति है उससे बातचीत करनी है, कहीं जाना है, जो भी मुझे महत्वपूर्ण लगता है, उसके लिए मैं शरीर को कुछ संकेत देती हूँ। तो ये संकेत देना, ये एक तरह की सूचना है, इंफॉर्मेशन है। इसी तरह से शरीर में जो भी घटना घट रही है, उस घटना के आधार पर शरीर में भी कुछ संवेदना होती है, सेंसेशन। ये जो शरीर में संवेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं, इनको भी मैं पढ़ती हूँ। एंड अगेन, जो भी मुझे महत्वपूर्ण लगता है उस समय, उसके बेसिस पे मैं पढ़ती हूँ। वो संवेदना का मैं आस्वादन करती हूँ,
तो ये संवेदना भी एक सूचना है, इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि हमने शायद ये एग्जाम्पल भी लिया हो कि जब हमें भूख लगती है तो कुछ संवेदना होती है शरीर में, उसको हम पढ़ते हैं और हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भूख लग रही है, खाना, शरीर को खाना भोजन देना है। अगर उस समय भोजन के समय मेरे लिए कुछ और महत्वपूर्ण चीज मेरे ध्यान में आई, जैसे कि कोई इम्पोर्टेंट फोन कॉल आया जो मैंने अटेंड करना है, या मैं कुछ काम कर रही हूँ और वो काम में बहुत व्यस्तता है और मैं उसको कंप्लीट करना चाह रही हूँ, तो मेरा पूरा ध्यान उस पर है, तो उस समय मेरे लिए वो काम ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं, हो सकता है कि शरीर में वही संवेदना जो थी जिससे कि मैंने निष्कर्ष निकाला कि भूख लगी है, वो संवेदना अभी भी है, समय हो गया भोजन का, लेकिन मेरे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, तो फिर मैं नहीं पढ़ती हूँ उसको। तो संकेत देना शरीर को, ये एक सूचना है, संवेदना पढ़ना ये भी एक सूचना है। तो मेरे और शरीर के बीच में ये जो सूचनाओं का जो आदान प्रदान हो रहा है, इसमें सिर्फ ये सूचनाओं का ही आदान प्रदान हो रहा है, कुछ भी भौतिक रासायनिक, कुछ भी फिजिकल या फिजियोकेमिकल एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ये बात हुई थी स्टेप 2 में। फिर अभ्यास 2 के स्टेप 3 में हम ये देखने का प्रयास कर रहे थे कि जब हम संकेत देते हैं, मैंने जब शरीर को कुछ संकेत दिया या मैंने शरीर से कुछ संवेदना पढ़ी, तो इसका निर्णय कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ या शरीर कर रहा है? तो जो एग्जाम्पल अभी हम ले रहे थे उसमें देखें तो शरीर में कुछ संवेदना हुई, रोज एक पर्टिकुलर टाइम पे हम खाना खाते हैं, शरीर में कुछ खाना भोजन देते हैं, या शरीर को हम ये हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, संकेत देते हैं कि आप उठो, जाओ, खाना ले, मुंह में डालो, तो जो संवेदना हुई उसके बेसिस पे हमने ये देखा कि हाँ भूख लगी है, अभी शरीर को खाना देना है, तो उसी हिसाब से हमने उसको संकेत किया। लेकिन वही भूख का समय, और जैसे कि अभी बात हो रही थी, मैं व्यस्त हूँ कुछ काम में या इम्पोर्टेंट फोन कॉल है, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मैंने शरीर को कुछ और संकेत दिया कि फोन उठाओ, है ना, और जो दूसरी तरफ से आवाज आ रही है उस पर ध्यान दिया, वो वाली संवेदना जो उससे जो कानों पर संवेदना आ रही है उस पर ध्यान देना शुरू किया, और ये जो पेट में चल रही वो संवेदना थी भूख की, उसको एकदम उस पर से ध्यान हट गया और इधर ध्यान लग गया। होता है ऐसा? आप लोग चैट में जवाब दे सकते हैं, आप लोगों ने ऐसा नोटिस किया है? कोई देंगे चैट में जवाब? जी, अरुणा जी कह रही, हाँ होता है ऐसे, और लोगों ने भी ऐसा ऑब्जर्व किया होगा। बहुत से यस आंसर्स आ रहे हैं, तो ये अक्सर होता ही होगा अपने साथ। हम देखेंगे कि मैं खुद निर्णय लेती हूँ कौन सी सूचना देनी है, कब देनी है, कौन सी संवेदना पढ़नी है, कब पढ़नी है ना।
जो भी मुझे उस समय महत्वपूर्ण लगता है उसके बेसिस पे मैं ये निर्णय ले लेती हूँ। तो जैसा भी मैं शरीर को संकेत देती हूँ वैसा शरीर करता है ना। और संवेदनाएं तो बहुत सी होती हैं शरीर में, मैं उन्हीं को पढ़ती हूँ जो मुझे लगता है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जरूरी है उस समय पढ़ना, नहीं इम्पोर्टेंट लगता तो नहीं पढ़ती। जो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि फुटबॉल हॉकी जो लोग खेलते हैं, मैच चल रहा है ना, गोल पर ध्यान है प्लेयर का, गोल होना जरूरी है, वहीं ध्यान है। चोट लग गई पैर में, दूसरे की हॉकी स्टिक लग गई, खून बह रहा है लेकिन उस पर ध्यान नहीं है। संवेदना तब भी है, दर्द की संवेदना है, लेकिन प्लेयर ने उसको पढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए उस समय वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसका ध्यान गोल पर है। वो ध्यान बना रह के वो गेम में जुटा रहा, और जब गेम फिनिश हुआ तब उसको दिखा कि अरे मुझे तो चोट लगी। ऐसा भी शायद आप लोगों के साथ कभी हुआ हो, बच्चे खेलते हैं तब ये देखा हो। तो इन सब में ये दिखता है कि निर्णय तो मैं लेता हूँ, कौन सी संवेदना कब पढ़नी है कब नहीं पढ़नी है ना, क्या संकेत देना है शरीर को, वो सब निर्णय मेरे ऊपर है। शरीर तो एक साधन मात्र है जिससे कि मैंने जो भी करना है बाहर की दुनिया में उसके लिए मैं शरीर का इस्तेमाल करती हूँ, यूज करती हूँ उसको। इसके बहुत से हम लोगों ने पहले भी इस पर चर्चा करी है, मैं ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगी इसमें। बट ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, इन द सेंस कि हमें ये देखना चाहिए कि ये जो आदान प्रदान हो रहा है शरीर के साथ, इसमें हम निर्णय कर रहे हैं। शरीर में संवेदनाएं होती हैं, आगे जब स्टेप 5 की बात होगी तब देखेंगे कहाँ कहाँ से शरीर में संवेदनाएं होती हैं, लेकिन कौन सी संवेदना को हम पढ़ते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर है। वही भूख की संवेदना जिस दिन मैं उपवास का सोच के है ना उपवास रखती हूँ, उस दिन शायद मेरा ध्यान उस संवेदना पर जाता ही नहीं। भोजन का समय निकल जाता है फिर भी उस पर ध्यान नहीं जाता, या ध्यान जाता भी है तो मेरे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। उस पर से ध्यान हटा के मैं और दूसरी जगहों पर ध्यान देती हूँ जहां पर भी मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। संवेदना वैसी की वैसी है बट मैंने उसको पढ़ा ही नहीं, या पढ़ा भी तो ब्रीफली उस पर से ध्यान हटा लिया क्योंकि वो मेरे लिए उस समय महत्वपूर्ण नहीं है। ये सब उदाहरण है देखने के कि ये जो सारा आदान प्रदान है इसमें निर्णय मेरा है। इसको देखना था स्टेप 3 में, तो आशा है हम लोग सब इसको देख पाए होंगे। अगर आगे कुछ क्वेश्चंस हैं इन पर इन बातों पर तो आगे हम क्वेश्चन भी ले लेंगे। तो उसके आगे फिर हम स्टेप 4 पर आए, और इसमें हम स्टेप 4 में ये देखने का प्रयास कर रहे थे कि मैं शरीर से अलग हूँ। शरीर है एक रियलिटी है, मैं भी हूँ, मैं भी एक रियलिटी हूँ, लेकिन
दोनों जुड़े हुए नहीं हैं, थोड़ा शरीर और मैं अलग अलग है। तो हम जब संवेदना, किसी संवेदना को पढ़ते हैं शरीर में, तो हमने स्टेप 4 में पूछा, क्या मैं संवेदना हूँ? जो संवेदना मैं पढ़ रही हूँ, क्या मैं वही संवेदना हूँ? क्या मैं संवेदना में हूँ? जो संवेदना मैं पढ़ रही हूँ उसी में हूँ, या मैं संवेदना से अलग हूँ? और यही हमारा होम असाइनमेंट, गृह कार्य भी था। तो इस पर अगर आप कुछ काम कर पाए अपने आप, अपने ऊपर, कल के दिन पूरा दिन इसको देखना था, तो आपके कमेंट्स, आपके क्वेश्चंस अभी ले सकते हैं। पहले हमने जो ऑब्जर्व किया है, ये 4 स्टेप्स, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, और फिर कोई भी एक आध, जो भी किसी को कोई क्वेश्चन होगा इन 4 स्टेप्स पे, या पहले भी स्टेप एक्सरसाइज 1 के ऊपर, तो वो देख सकते हैं। कोई शेयर करना चाहेंगे आपका जो ऑब्जर्वेशन था उसको? आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, तो हम लोग इस पर बात कर सकते हैं। जब हम संवेदना को पढ़ रहे हैं, तो ये प्रश्न के, क्या मैं संवेदना में हूँ, क्या मैं ही संवेदना हूँ, या मैं संवेदना से अलग हूँ, इस बात को अगर हम देख पाए हों, या नहीं भी देख पाए हों, हमने जो भी ऑब्जर्व किया उसको थोड़ा सा शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। शेयरिंग से क्या है, अपना भी क्लैरिटी बढ़ती है और औरों का भी उसमें उपकार हो जाता है, क्योंकि सबका जो ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ा और शार्प हो जाता है। हाँ, नमस्ते दीदी, आवाज आ रही है? जी, आ रही है। हाँ, तो मैं यहाँ संवेदना को शरीर, मतलब मैं और शरीर को अलग से देख रहा हूँ, और मैं अपने दिनचर्या जब भी करता हूँ तो मैं हर वक्त देखता हूँ, तो बहुत सारी चीजें हैं जो सुबह से लेके शाम तक होती रहती है मेरे आजू बाजू। और जब जब भी कोई चीज मैं करता हूँ और मुझे वो करने की मेरी जो प्रक्रिया है, तो वही प्रक्रिया या वही चीज जो है मैं दूसरों से एक्सपेक्ट करता हूँ, कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, किसी तरह से पढ़ा रहा हूँ या कोई भी चीज, तो वो मैंने ये चीज देखा कि मेरी मेरी वाइफ है, तो जैसे ही मैं काम करता हूँ उसी तरह से उससे वही उस तरह से काम करने की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। तो इसकी वजह से क्या होता था कि हमारे बीच में वो जो कुछ मतलब वो पहले बहुत झगड़े होते थे, फिर मेरे को समझ में आया कि मैं जिस तरह से रहना चाहता हूँ, मेरी सेंसिटिविटी जिस तरह से है वो उसकी नहीं है। तो फिर मैंने ये स्टेप्स को थोड़ा बारीकी से किया, तो पता चला कि जब भी, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, कि वो कभी कभी सुबह सुबह मैं मोबाइल हाथ में ले लेती है, मैं नहीं लेता मोबाइल हाथ में। मुझे पता है कि मोबाइल हाथ में से कोई कारण के बिना लेना एक जरूरी नहीं है, तो मैं नहीं लेता। लेकिन जब भी वो लेती है तो मेरे अंदर एक प्रकार का विरोध का भाव आ जाता है। तो फिर मैंने ये स्टेप्स करने से देखा कि ये जो संवेदना है वो मेरे में आ जाती है, मैं वो एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो भी, मैं अगर मोबाइल ले रहा हूँ तो वो भी मोबाइल नहीं लेनी चाहिए। तो पहले ये चीज के कारण हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहता था। फिर मैंने देखा अपने हिसाब से कि
हाँ, अपने मैंने इसको चीज को देख पाया कि संवेदना जो है वो स्व में चलता है, शरीर में नहीं चलता। शरीर को मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ उस तरह से वो रहता है। फिर मैंने वो चीज को नेचुरली एक्सेप्ट किया कि नहीं, वो ले रही है, तो वो अपने तरह से काम करने की जो रीत है वो मेरे को उसको लेने देना चाहिए। तो ये जो संवेदना है इसके लिए मेरा ये शेयरिंग था दीदी, कि संवेदना जो है वो हर वक्त चलती रहती है, लेकिन हम जिस पर फोकस करना चाहते हैं और अगर थोड़ा उस तरह से हम प्रयत्न करते हैं ना, तो संवेदना के मतलब ये चीज को, एक इवेंट नहीं बहुत सारी ऐसी इवेंट है जो दिन भर मैंने ऑब्जर्व किया है, और इससे मुझे काफी कुछ फायदा हो रहा है ये स्टेप 2 से और अभ्यास से ये। जी, थोड़ा इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगी। पहली बात तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को बारीकी से ऑब्जर्व करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने अंदर जो आपकी आशाएं हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको देख पा रहे हैं और उनके कारण जो आपके अंदर विरोध हो रहा है, जब वो आशाएं पूरी नहीं पड़ती हैं, तो वो भी आप देख पा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। इसमें थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाह रही थी कि जब हम संवेदना कह रहे हैं तो हम सेंसेशन की बात कर रहे हैं, जैसे कि शरीर में, जैसा हमने कहा, जब भूख लगती है तो आप शरीर में कुछ महसूस करते हैं ना, कि पेट में कुछ कुछ आवाज आना, कुछ सेंसेशन होना, जिसको आप हाँ हाँ पढ़ते हैं, है ना। होता है होता है। उस सेंसेशन की, जैसे ऐसी जो सेंसेशन शरीर में होते हैं उनको हम संवेदना कह रहे हैं। तो संवेदना शरीर में है। जो आप एक्सपेक्टेशन की बात कह रहे थे, जो हमारी आशा है बाहर से कुछ हो जाए, दूसरा हमारे अनुसार चलने लगे, ये जो हमारी आशा है वो आशा मुझ में है। समझ में आया कि एक क्लियर है? हाँ, मतलब मैं जो संवेदना की बात कर रहा हूँ वो संवेदना नहीं है। हाँ, मतलब आपने आशा जो कहा ना, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरी वाइफ भी ऐसा करे, फोन ना उठाए सुबह में, ऐसा, तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है ना, मेरे अंदर ये चला, तो ये क्यों हाँ उठा रही है अभी, है ना, मेरे विचार में ये आया, मेरे अंदर विरोध का भाव आया, है ना, मेरी ये आशा थी कि वो बराबर मेरी है। तरह करें, है ना, मतलब तो ये सब मेरे मैं अंदर है। हाँ, शरीर की संवेदना देखना है कि जी, शरीर में जो संवेदनाएं हो रही हैं उनको पढ़ना है और उनमें देखना है कि मैं क्या वो संवेदना हूँ, या संवेदना में हूँ, या मैं संवेदना से अलग हूँ। इस बात को थोड़ा और ध्यान दें इस पर, फिर आगे आपसे फिर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है? हाँ ठीक है दीदी, बढ़िया बढ़िया, नमस्ते। वंजीत नमस्कार जी, प्रभु, नमस्ते। नमस्कार जी। मैडम, मैं ना इस उपलक्ष्य में अपना पक्ष जो है वो रखता हूँ। 3 जो स्टेप्स हैं, कि पहला तो है कि मैं संवेदना हूँ, दूसरा है मैं संवेदना में हूँ, और तीसरा ये है कि मैं संवेदना से अलग हूँ या नहीं हूँ। तो तीनों चीजें उसमें मैं जो मेरी ऑब्जर्वेशन रखता हूँ, तो उसके ऊपर आपकी क्लैरिटी जो है उसकी तवज्जो करूंगा। पहला तो मैं ये फील करता हूँ कि मैं संवेदना नहीं हूँ, ये तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं काफी सेशंस के अंदर। दूसरा है कि मैं संवेदना में नहीं हूँ, तो उसके बारे में ये कि हमेशा संवेदना में नहीं, लेकिन समटाइम्स तो मैं संवेदना में भी हूँ मेरे को जो लगता है। और तीसरा जो बात है वो है कि मैं संवेदना से अलग नहीं। देखिए, जैसे अभी आप एक एग्जांपल दे रहे हैं, कल भी
भाई साहब ने कुछ एग्जाम्पल दी थी, तो मेरा उसमें ये है कि जैसे हम गो की ही एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो कल भी जब ये बात हो रही थी तो उसमें ये आ रहा था कि संवेदना जो है उसके प्रति भी हमारा जो निर्णय है वो तो रहता है, कि अगर हम इसको चाहते हैं तो हम इसको महसूस करते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो हम इसको रोक लेते हैं। तो उन्होंने कल एक एग्जाम्पल दी थी कि जैसे क्रिकेट का कोई प्लेयर है, मान लो वो गेम बड़े जोश में चल रहा है, हार जीत का फैसला होने वाला है, उसको मतलब चोट लग गई, खून बहने लगा या कुछ ऐसा हो गया, मतलब सेवेरिटी ऑफ पेन उसके अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन वो तो नहीं लेता, वो अपना खेल जो है उसको आगे बढ़ाता रहता है। लेकिन तभी मेरा ये प्रश्न बनता है कि वो मान ली बात कि जब उसकी सेवेरिटी होने के बावजूद उसने उसको महसूस नहीं किया, उसी शिद्दत के साथ वो अपना खेल जो है उसको आगे बढ़ाता रहा, लेकिन जैसे ही खेल खत्म होता है या जैसे ही उसकी टर्न खत्म होती है, तो उसी समय उसका वो जो दर्द वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा उजागर हो जाता है। मेरे को लगता है कि उस टाइम पे जो हमारी अटेंशन है सिर्फ उसका डाइवर्शन हुआ, कि भाई तकलीफ तो उसको उस समय भी शायद उससे भी ज्यादा होगी, जब इमीडिएटली चोट लगी होगी तो तकलीफ बहुत ज्यादा होगी, उसको भयंकर दर्द भी हो रहा था, लेकिन उसके सामने लक्ष्य जो था वो कुछ और था, इस कारण से उसने यहाँ पे उसने अपना डिसीजन लिया, यहाँ पे उसने अपना ये फैसला किया कि भाई मेरे को ये सेंसेशन जो है इसको इग्नोर करना है और अपना जो खेल है उसी को उसी तरह से आगे बढ़ाना है कि मैं अपनी टीम जो है उसको जीत की तरफ लेके जा सकूं, लेकिन इस स्थिति को वो परमानेंटली अचीव नहीं कर सका। जैसे ही खेल खत्म हुआ तो उसकी अटेंशन वापस दर्द के ऊपर आ गई। इसी तरह से जैसे आपने आज एक एग्जाम्पल लिया भूख का, भूख एक सेंसेशन है, इसमें कोई दो राय, ठंड एक सेंसेशन है, गर्मी एक सेंसेशन है, क्या इन चीजों के प्रति हमारा खुद का निर्णय जो है वो काम करता है 100%? मेरे को लगता है नहीं करता। जैसे जब बहुत ठंड होती है तो आप ये अपना डिसीजन तो नहीं कर सकते कि भाई ठंड नहीं है या मेरे को ठंड नहीं लग रही है, अगर ऐसा है तो फिर हम कपड़े क्यों पहनते हैं, एक स्वेटर के ऊपर कोट क्यों पहन लेते हैं, कोट के ऊपर फिर हम कोई ओढ़नी क्यों ले लेते हैं, ठीक है ना जी। तो ये जो एक दुविधा बनी हुई है, मेरा कोई इसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, मैं आपके जो व्यूज चल रहे हैं उन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे अंदर जो कश्मकश जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमारे मन में कई बार तो सहमति बन जाती है इन चीजों को लेके, लेकिन कई बार हम सहमत नहीं हो पाते हैं क्योंकि तो हमें लगता है कि ऐसा भी होता है, ये नहीं कहता हूँ कि भी 100% मेरी ठीक बात है, जो मुझे है वो ठीक है। आपके आपका प्रश्न समझ में आ गया। जी जी मैं जी थोड़ा इसको रिस्पॉन्ड कर देती हूँ। जी तो हम देखेंगे कि संवेदना एक बात है ना, संवेदना हो रही है शरीर में, तकलीफ किसको हो रही है, शरीर को हो रही है या मुझे हो रही है, इस पर थोड़ा आप गौर करें। शरीर को हो रही है तकलीफ, तो शरीर को हो रही है। इतना जल्दी मत उसको थोड़ा खुला रखें, जी उसको देखें उस बात को, है ना। ठीक है शरीर में डिसहार्मनी हो सकती है, बट जब हम कहते हैं तकलीफ हो रही है, तो तकलीफ जो हम बात कह रहे हैं वो दिखेगा कि हम आराम में नहीं है उसके कारण, किसी संवेदना के कारण। जैसे कि गर्मी है, बहुत तेज गर्मी है, शरीर में से पसीना आ रहा है, शरीर को आप पंखा चलाए बिना रखेंगे तो शरीर कुछ कंप्लेन नहीं करेगा, वो चल चल पड़ेगा उसके साथ ही कि ठीक है, मतलब शरीर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसा। लेकिन गर्मी किसको लग रही है ना, उस पर ध्यान देंगे तो शायद ये दिखाई दे कि मुझे, मैं आराम में नहीं हूं। जब गर्मी ऐसी, मतलब वो संवेदना पड़ी तो मुझे तुरंत लगा कि नहीं, कुछ कूलिंग करना चाहिए, भले वो इसलिए हो कि मुझे वो संवेदना पसंद नहीं आई, या इसलिए हो
कि मेरे अंदर एक संयम का भाव है, मैं शरीर की रक्षा के बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि बहुत गर्मी भी शरीर के लिए ठीक नहीं, तो मैंने पंखा चलाया, मैंने शरीर को ऐसा संकेत दिया और पंखा चलाया। तो इसको थोड़ा सा और बारीकी से ऑब्जर्व करिए आज के दिन, ये कोशिश करिए देखने का कि संवेदना जो हो रही है वो एक बात है, वो शरीर में जो हो रही है उसको हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे जो तकलीफ हो रही है वो शरीर को हो रही है या मुझे हो रही है। इसको आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि उसके बेसिस पर हम कुछ संकेत देते हैं शरीर को, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, है ना? और वो भी ऑफ कोर्स मेरा ही निर्णय है ना? तो जब ये संवेदना को हम पढ़ते हैं उसके बेसिस पे हमें कभी कभी तकलीफ होती है, कभी नहीं होती, वही गर्मी है वही संवेदना है, लेकिन मेरे बेटे या बेटी का फोन आया हुआ है और बहुत मजे में बातें हो रही हैं और मुझे ध्यान ही नहीं कि पसीने आ रहे हैं शरीर से, पंखा चला सकते थे लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं है उस तरफ, है ना? ऐसा मतलब आपने कभी नोट किया है इस टाइप का जी एग्जाम्पल? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी एग्जांपल्स भी होती हैं। जी हाँ, तो उसमें क्या हो रहा है कि संवेदना तो है ही, लेकिन अभी मेरा ध्यान कहीं और है, तो मैं उससे मुझे कुछ तकलीफ नहीं लग रही। जब वो कॉल खत्म हो गया तब मैंने नोट किया कि अरे बड़ी गर्मी है भाई, पंखा चलाओ, फिर पंखा चलाया। तो ऐसा नहीं है कि, जैसा आपने राइटली कहा, मेरा अटेंशन कहीं और था, मेरा ध्यान कहीं और था, है ना? तो मैंने वो संवेदना को पढ़ा ही नहीं, लेकिन अब वो जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था वो बात खत्म हो गई, अब मेरा ध्यान इस पर गया। लेकिन अगर मैंने सपोज डिसाइड कर रखा है कि ना गर्मी में मुझे पंखा नहीं चलाना है, कोई कोई ना कुछ ऐसा डिसाइड कर लिया कि पंखे की हवा मुझे नहीं चाहिए, तो भी मैं कर सकती हूँ, है ना? वो डिसीजन जी लिया जा सकता है। जैसे कि जो उपवास की बात हो रही थी, अब वो संवेदना वही है, खाने का भोजन का समय भी हो गया है, संवेदना हो रही है शरीर में, लेकिन मैंने पढ़ा भी संवेदना को, लेकिन अभी मुझे उससे कुछ तकलीफ नहीं लग रही, क्योंकि मैंने सुबह ही या कल ही निर्णय ले लिया था कि आज के दिन मुझे भोजन नहीं करना है। तो वो संवेदना आई भी, मैंने पढ़ा भी, लेकिन मैंने उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझा और मैंने अपना ध्यान वहां से हटा लिया और किसी चीज में लग गए। लेकिन वो खत्म हुआ वो दिन, दूसरे दिन वही संवेदना वही समय, और मुझे लगा अरे भाई खाना लाओ, बहुत भूख लग रही है। यहाँ मेरा डिसीजन था कि मैंने खाना है आज, है ना? तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ये बात? हाँ जी मैडम, इसको फर्दर और भी इसके ऊपर करते हैं विचार, समय लगाते हैं इसके ऊपर, इन जी, चीजों तो के थोड़ा ऊपर। समय लगाइए कि जी 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 आगे और बात हो सकती है इस पे। ठीक है ये? जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स। थैंक यू। दो और हैंड्स रेज्ड हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक 10 मिनट के लिए इसी को ऑब्जर्व करेंगे। आप जो भी कर रहे हो कोशिश करिए कि उसको छोड़कर आप एक जगह बैठ जाएं और अपने शरीर में हो रही संवेदनाओं को देखें, उनको पढ़ें। कोई एक संवेदना को लेके उसको पढ़ें और इस पर गौर करें कि आप क्या संवेदना में हैं, क्या आप संवेदना हैं या आप संवेदना से अलग हैं। इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे अभी 10 मिनट के लिए, फिर आपके और जो प्रश्न और ऑब्जर्वेशंस होंगे वो ले लेंगे। तो 10 मिनट के लिए यहाँ मैं अपने आप को म्यूट कर देती हूँ, फिर उसके बाद बातचीत होगी। ठीक है, बढ़िया।
तो 10 मिनट हो गए हैं, आशा है कि आप लोग सब ऑब्जर्व कर पाए होंगे इस स्टेप 4 को। आपके ऑब्जर्वेशन अभी हम लोग ले सकते हैं। दीदी नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते। थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन है, बीच में मैं ये देखना था, भाई देख रही हूँ कि मेरे में कितनी गति हो पा रही है, और मैं में अंतर को तो देखा मैंने, और सेल्फ एक निरंतर इकाई है और बॉडी एक सामयिक इकाई है। तो बॉडी में जो फिजियोकेमिकल एक प्रक्रिया चलती है, और दूसरी तरफ बॉडी में बहुत सारे संवेदनाएं उठती, तो संवेदनाएं जो शरीर में उठती हैं, तो जो मैं इकाई हूँ, तो मैं उन संवेदनाओं का निर्णय उनको पढ़ती हूँ, और निर्णय मैं ही ले, और कई बारी ये संवेदनाएं मेरी प्री कंडीशन भी होती, जैसे इसका उदाहरण खाने, देंगे, समझ में नहीं हाँ आया। खाने खाने के लिए, जैसे कई बारी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं परौठा ना खाऊं, पर वो स्वाद और संवेदनाएं आस्वादन मेरे को उस ओर खींच के ले जाता है कि नहीं। वो एक मेरा जो हमारी एक मान्यता है और जो कुछ परंपरा है कि पंजाबी खाने में जब तक परौठा ना खाया जाए तो उससे बॉडी, हम लोग बॉडी से इतना काम नहीं ले पाएंगे, थोड़ी सी वीकनेस फील होती है, वो एक मान्यता बनी हुई है। तो इस तरीके से, और कई बारी मैं ये भी, मेरे में ये भी पता चलता है कि कुछ बॉडी के पार्ट है जो कुछ ज्यादा एंटीबायोटिक लेने से उसमें संवेदनाओं का सेंसेशन कम हो जाता है, जैसे कुछ बॉडी जो ह्यूमन बॉडी में 2 टाइप्स की बॉडी है, एक मैन है और एक वुमेन है, तो उसमें दोनों में थोड़ी सी क्रियाओं में फर्क है, तो उससे कई बारी डबल डोज डॉक्टर जब रिक्वायर करता है उसकी जरूरत के लिए, तो उसमें सेंसेशन मैंने कम होते हुए देखे बॉडी के स्टमक पार्ट में, तो उसको भी मैं रीड कर पाई, और सेंस और बॉडी के पार्ट में दीदी सेंसेशन बराबर चलता है, पर स्टमक में जो सेंसेशन है वो मेरा कम हो गया। कई बारी मेरे को वो बॉडी का पेन भी पता नहीं चलता, जैसे कुछ कोई हैवी खाना खाया या नहीं खाना खाया, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और इस चीज को जब मैं देख पाती हूँ, तो ये जो मैं सेल्फ में इस चीज को देखा बॉडी से रिलेट करके, तो ये जो जो निर्णय था कि मेरे को हैवी डोज लेनी थी एंटीबायोटिक की, अगर मैं निर्णय ना लेती तो शायद मेरे को ये बॉडी के जो सेंसेशन, जो जो कंडीशंस डाउन हुई है, वो शायद नहीं हो पाती। अभी अभी और उस पे ना जाएं, अभी उस पे ना जाएं। देखिए, सेंसेशन को पढ़ें, है ना। ये जो हमने डिसाइड किया कि ये इसकी वजह से हो रहा है, अभी इसका हमें इतना क्लियर आइडिया नहीं होगा शायद। क्या है, आपने मतलब किस बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम ऐसा है खाए क्योंकि तो मैंने इसलिए वो कम हुआ। आयुर्वेदा ये डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने कहा इससे ही ऐसे हो जाता हाँ सर, है हमने ऐसे। मान लिया ना, हाँ है ना। एक बार जैसे उसके क्या, लिए थोड़ा और ना खुला रख के देखिए क्या हाँ जी, होता है ना, कि हमारी जो भी मान्यता होती है ना, उसके हिसाब से फिर हम चलने लगते हैं। एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हाँ, सही में कुछ संवेदना कम हुई। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम अवेयर ही नहीं थे, तो हमने संवेदना को पढ़ा ही नहीं, है ना। तो तीनों पॉसिबिलिटीज को खुला रख के हाँ जी, उस पर ध्यान दें। आपको क्या दिखा क्या नहीं दिखा उतना, है ना। क्यों वो कम हुआ अभी उस पर नहीं जाते, वो किस वजह से ऐसा हुआ अभी उस पर नहीं जाते।
ये कोशिश करेंगे कि हम अलर्ट रह के, है ना, जो भी संवेदना हमको दिख रही है उसको, उस पर ध्यान दें, और उस समय जब हम संवेदना को पढ़ रहे हैं, अगर हम अवेयर हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, हम उस पर ही ध्यान देंगे, है ना। तो वो सब चीजें थोड़ा और बारीकी से मुझे लगता है देखेंगे तो और हेल्पफुल रहेगा हाँ आपके जी, लिए, है ना। तो मैं संवेदना से तो अलग ही हूँ, और मैं संवेदना में नहीं हूँ, मैं संवेदना से थोड़ा सा अलग हूँ। संवेदना जैसे ही कोई भी बॉडी में कुछ भी संवेदना होती है तो उसका निर्णय, उसको पढ़कर निर्णय तो मेरा ही रहता है, क्योंकि कभी मच्छर बैठा है तो जब तक मैं नहीं कहूंगी तब तक बॉडी का वो हाथ उस मच्छर को उठाने के लिए नहीं उठेगा, हटाने के लिए नहीं उठेगा। तो ये चीजें तो जो एक बॉडी का एक टेम्पररी होना और टेम्पररी से सेल्फ का कंटिन्यू होना, सेल्फ अगर अवेयर है तो अवेयरनेस में वो निर्णय बहुत सही तरीके से ले पाता है। कई बारी मेरा कुछ किसी के बाहर से बोलने पर भी मेरे सेल्फ में जो एक आउटर इफेक्ट है, शरीर की संवेदना को तो मैं पढ़ ही पाती हूँ, और किसी ने कुछ कह दिया जो मेरे कानों को अच्छा नहीं लगा तो उससे मेरा बॉडी रिएक्ट होता है, ये भी मैं देख पाती हूँ। तो एक मिनट, किसी हाँ जी, ने कहा जो कानों को अच्छा नहीं लगा या मुझे अच्छा नहीं लगा? मुझ में अच्छा नहीं लगा, कानों को नहीं, मुझ में अच्छा नहीं लगा, हाँ, तो मुझे बॉडी से भी अच्छा रिएक्ट नहीं करती हूँ और मैं भी कंट्राडिक्शन में होती हूँ। लगा। हाँ, एक दोनों मिनट, चीजें। हाँ जी, एक मिनट, कानों पर कुछ ना, किसी ने कुछ कहा, संवेदना हुई, हाँ मैंने जी, वो ना को पढ़ा, हाँ है ना, जी जी और मुझे वो अच्छा नहीं लगा, रिएक्शन बॉडी में कहाँ से आया? पहले वो निर्णय मेरा था। मुझमें हुआ ना रिएक्शन, हाँ मुझे अच्छा नहीं लगा, वही रिएक्शन हो गया। हाँ तो वो जो जब सेल्फ में हैप्पीनेस रिएक्शन, और अनहैप्पीनेस का जो डिसीजन है वो मेरा ही है, तो बिल्कुल, ये जो, हाँ, तो उससे दुखी होना और सुखी होना वो निर्णय मेरा ही है। तो वही इससे मैंने देखा कि ये संवेदनाएं, अगर मैं इन संवेदनाओं को सही तरीके से पढ़ूं, सही समझ के साथ पढ़ूं, तो मैं कभी भी उस सुख को फील कर सकती हूँ और दुख से दूर रह सकती हूँ। तो उसमें कंटिन्यूस एक सेल्फ की जो एक नीड है कि उसको निरंतर सुखी रहना है, तो जब मैं इस तरीके से निर्णय लेती हूँ सेल्फ में, तो कभी भी मेरे को जो बाहर से प्रभाव होते हैं, सेंसेशंस, आउटर इफेक्ट्स, किसी का बोलना, किसी का कहना, किसी का रिएक्शन, किसी की, तो वो कई बारी, जैसे कई बारी मैंने ये देखा है कि मैं क्लास में बैठी हूँ तो कुछ बच्चे अनाउंसमेंट करने आए, तो मैं अपने लेक्चर में बिल्कुल केयरफुल हूँ कि मेरे को ये डिलीवर करना है, तो वो बच्चे आए क्या कह के गए, क्योंकि मेरा वहां उसके लिए मैंने निर्णय नहीं लिया ना, तो वो बच्चे कौन थे और क्या उन्होंने अनाउंसमेंट करा और बच्चों ने क्या डिस्कस करा, उसके मेरे को बिल्कुल ऐसे लगा जैसे वो एरिया, वो आउटर इफेक्ट बिल्कुल ब्लैंक था, क्योंकि मेरा ही निर्णय था, मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मेरा था कि नेक्स्ट मैं जो पॉइंट डिलीवर कर रही हूँ वो मेरे को कैसे करना है। तो वही यहाँ पर मैं देखती हूँ कि आउटर इफेक्ट जो भी है, सुख और दुख, सेल्फ में जो संवेदनाओं से उठने वाले के निर्णय, वो सारा मेरा ही है। जो सुख दुख है वो तो मुझ में है ना, हाँ जी, दोनों है, और सुख और दुख दोनों है। इनफैक्ट उसको थोड़ा और गौर से देखेंगे तो संवेदना से उसका कुछ लेना देना है नहीं, है हाँ, संवेदना उसे कुछ ना, भी लेना देना नहीं। क्योंकि हम अक्सर होता है वही संवेदना है, लेकिन हम कभी सुखी होते हैं कभी दुखी होते हैं उसी हाँ संवेदना को लेके, है ना। जैसे कि जी, हमने भूख की बात कही, हाँ है जी, ना, अब संवेदना है शरीर में, भूख, हमने उसको एक अर्थ दिया कि भूख लग रही है ना, लेकिन सामने वाला जो है वो जिसने खाना बनाया परोसा, उसने कुछ ठीक से नहीं परोसा या कुछ बात हुई,
अब वही संवेदना के साथ, है ना, भूख तो लगी थी, लेकिन हमने इसको उसके साथ जोड़ दिया कि ये कैसे परोसा गया था, वो ठीक नहीं था। अब हम नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, कुछ हो गए, है ना। जी तो बिल्कुल, संवेदना को अलग देखेंगे और मुझ में क्या चल रहा है उसको अलग देखेंगे, उसको लग गया ठीक है ना। नहीं तो ये जी। सब मिक्सअप हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करेंगे अब स्टेप 5 में जब हम आगे जाएंगे तो ये सब देखेंगे कि संवेदनाएं कहाँ कहाँ से आ रही हैं और हम कैसे इनको अर्थ देते हैं, तो उसको और बारीकी से देखेंगे अगले स्टेप में, ठीक है ये। हाँ, तो संवेदनाओं का, जैसे हम किसी का रूप वगैरह देख के जैसे अट्रैक्शन होता है, तो उससे भी हम बहुत जल्दी, जैसे मैं निर्णय ले लेता है कि उसकी प्रशंसा करना और कि ये बहुत सुंदर लग रहा है, ये ऐसे, ये निर्णय भी मेरा ही होता है। पर बिल्कुल बिल्कुल, अगर हाँ कल बात करें इस पर, है टाइम जी ऑलमोस्ट हो दीदी गया है। जी जी दीदी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दीदी सभी को। जब आपने बोला कि चूज वन सेंसेशन, हाँ तो उसमें मेरे को लगा कि क्या, तो मैं पकड़ नहीं पाया उसको, क्योंकि मुझे सभी सेंसेशन टेम्परेरी लग रही हैं, कि जैसे हमारे हर में कुछ खाज हुई और हमने वो की और उसके बाद उसका काम खत्म, वो वहां से चली जाएगी। तो मुझे लगा कि ज्यादातर सेंसेशन मेरे में टेम्परेरी हैं, लेकिन अगर आप हार्ट बीट की ओर जाए तो शायद उसको चूज करके कंटिन्यूअसली देखने की कोशिश की जा सकती है, तो इस पे बताएं प्लीज। हाँ, तो जैसे हर क्षण में हम ये जो ऑब्जर्वेशन है ये कंटिन्यू रखना है, तो हर क्षण हम ऑब्जर्व करें। तो एक क्षण में ये जो आपने बोला ना, सिर में खुजली हो रही, खाज हो रही, वो संवेदना हमने पढ़ी, तो जब पढ़ी तो उसमें ये देखें कि मैं संवेदना में हूँ, मैं संवेदना हूँ या मैं संवेदना में हूँ या मैं संवेदना से अलग हूँ। इस बात को देख लिया, पढ़ लिया, एक निष्कर्ष निकल गया। फिर अगर वो जी संवेदना नहीं है, दूसरी कोई संवेदना पर ध्यान दें, तो एक समय जी में आप एक ही संवेदना पर ध्यान दें ताकि आपका ध्यान उस पर बने और आप ये प्रश्न अपने आप से करें और फिर आगे जी बढ़ें, ऐसा, ठीक है। जी इसको और जी थोड़ा बारीकी से देखेंगे, अभी समय हो गया है, जी दी दी जी आलोक जी जी हैं, नेक्स्ट जी टाइम कल के दिन आपसे जी शुरुआत कर सकते हैं क्वेश्चन की, और जी 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 फिर आप इसको फिर से आज वही असाइनमेंट लेंगे ताकि हम इसको और बारीकी से देख पाए। इसका ज्यादा डिस्कशन आज आप लोगों के ऑब्जर्वेशंस इतने नहीं आ पाए, थोड़ा और डिटेल में इसको देखेंगे और फिर होपफुली कल स्टेप 5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सभी को नमस्ते।